नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। तिलवारा थाना क्षेत्र में कार से गांजा डिलीवर करने आए तस्कर ग्राहक का इंतजार कर रहे थे, तभी मौके पर पुलिस पहुंच गई। क्राइम ब्रांच और थाना पुलिस ने कार को घेर लिया। कार में चालक सहित 5 व्यक्ति सवार थे। सभी को उतारकर कार यूपी 66T2121 की जांच की गई। उसमें पीछे की सीट के पीछे डिक्की में खाकी रंग के टिप से चिपके 53 पैकेट मिले। 3 पैकेट में अवैध मादक पदार्थ गांजा रखा मिला। तौल करने पर कुल 53 किलो 270 ग्राम गांजा बरामद हुआ। इसकी कीमत लगभग 5,30,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपियों की तलाश लेने पर उनके कब्जे से एक पिस्टल और 2 मैगजीन में 7 कारतूस कमर में खोसे हुए मिले। सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक आरोपी अधिवक्ता है। जी सर, गांजे की कार्रवाई चल रही है। ये विगत रात्रि की घटना है। थाना तिलवारा अंतर्गत 5 आरोपियों से 53 किलो 270 ग्राम अवैध गांजा जब्त हुआ है। इसके साथ जिसकी कीमत करीब 2,65,000 अनुमानित कीमत बताई जा रही है। इसके साथ ही साथ एक कट्टा और 2 मैगजीन 7 राउंड भी जब्त हुए हैं। आरोपियों के विरुद्ध थाना तिलवारा में NDPS एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और गिरफ्तारी उपरांत आगामी विवेचना की जा रही है। एक उसमें एक कार में लेकर जा रहे थे और इसके साथ ही साथ 2 टू व्हीलर गाड़ियां भी जब्त हुई हैं।